उफनती कोसी नदी ने सुपौल में कहर मचा दिया है। सुपौल जिले के निर्मली अनुमंडल में कोसी नदी पर बने सिकरहटा मझारी लोअर बांध के टूटने से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। सिकरहटा मझारी लोअर बांध छुटियाही गांव के पास टूटा है। मझारी चौक से डगमरा चौक को जोड़ने वाली निम्न बांध पानी के तेज प्रेशर को झेल नहीं पाई। बांध के टूटते ही निर्मली ब्लॉक के डगमरा, दिघिया, बेल सिंगापुर मोती, मझारी और हरियाही पंचायत में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। वहीं बांध के टूटने से मधुबनी जिले के कुछ भाग में भी बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। बांध के टूटने से पश्चिमी कोसी तटबंध के अंदर कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। पानी के तेज बहाव को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं बाढ़ के खतरे को देखकर जिला प्रशासन की तरफ से माइक पर इलाके के लोगों को जरूरी सलाह दी जा रही है। ध्यान देंगे, सभी जितने हमारे युवा साथी हैं, सभी से आग्रह है कि सब अपना अपना जो है शांति बनाए रखें, शांति बनाए रहें और रास्ता को अवरुद्ध ना करें। वहीं बांध टूटने की सूचना मिलने के बाद सुपौल के DM महेंद्र कुमार और SP मनोज कुमार मौके का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। DM महेंद्र कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन टूटे हुए रिंग बांध की मरम्मत का काम करवा रही है। उन्होंने बताया कि बाढ़ पर काबू करने के लिए चीफ इंजीनियर मौके पर ही कैंप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण बांध में हुई टूट की मरम्मत की जाएगी और उसके बाद मेन बांध में हुई टूट की भी मरम्मत की जाएगी। यहाँ पे S1 S2 स्पर के बीच में जो सिकरहटा मझारी सुरक्षा तटबंध है उसमें ब्रीच हुआ है। एक उसके पहले ग्रामीण तटबंध है उसमें ब्रीच परसों हुआ था, उसके कारण संभावना ऐसी है कि सीपेज के कारण ये ब्रीच हुआ है। अभी फिलहाल जो पानी है वो ड्रेन आउट होकर तिलयुगा नदी में जा रहा है। फ्लड डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कैंप कर रही है। पहले जो हम लोग का ग्रामीण तटबंध है उसके ब्रिज को इसमें काम किया जा रहा है, इसको बंद करके तब हम लोग मेन जो तटबंध है उसको बंद करने का काम करेंगे। इतना ये जो ब्रिज हुआ है सर, इसमें किसी न किसी की लापरवाही हुई होगी, किसको लापरवाह मानते हैं? अभी हम लोग लापरवाही और ये सब जो है वो बात का विषय है। अभी फिलहाल प्रायोरिटी है कि तुरंत इसको जितनी जल्दी हो सके इस ब्रिज को बंद करें हम लोग, और आगे जो हम लोग का मेन तटबंध पे ब्रिज है उसको तुरंत बंद करें। अभी उसमें प्राथमिकता पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, बट हाँ अगर लापरवाही है तो इसमें विभाग को सूचित किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है कि सुपौल का जिला प्रशासन जल्द ही टूटे हुए बांध का मरम्मत करवा देगी। अगर समय रहते बांध की मरम्मत हो गई तो लोगों को बाढ़ के कहर से बचाया जा सकेगा। पंजाब केसरी TV के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।